एक सर्विसमैन भाइयों के लिए नई जॉब वैकेंसी खुली है। सबसे पहली वैकेंसी सेंटर मैनेजर, इसके लिए सैलरी 25,000 रुपया। एम एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी 25,000 रुपया। परचेस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए सैलरी 30,000 रुपया। स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए सैलरी 30,000 रुपया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सैलरी 20,000 रुपया। सिविल इंजीनियर, इसके लिए सैलरी 40,000 रुपया। और ये सभी वैकेंसी आपको सीजी रिसेटलमेंट एप्लीकेशन में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी कर्मचारी के लिए उसका पीएफ एक महत्वपूर्ण राशि होती है और महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होता है, और आज की डेट में इसी पीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिल रहा है। और इसके अलावा किसी भी कर्मचारी के लिए ये एक सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना गया है। खुशखबरी ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक अगले महीने होने जा रही है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जिसमें 2021-22 के लिए ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव सूचीबद्ध है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बताया था कि 2020-21 के वर्ष के लिए 24 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारकों को संगठन ने 8.5% के हिसाब से ब्याज दिया है। तो दोस्तों, इस बार कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि इस बार के मीटिंग में हमारे पीएफ के ऊपर यानी फौजी भाइयों के एएफपीपी के ऊपर ज्यादा ब्याज दरों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार हमारे एएफपीपी फंड पर ब्याज की बढ़ोतरी होगी या फिर उसको सेम ब्याज में लाया जाएगा या उसके ब्याज में कमी कर दी जाएगी? कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।